सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नॉलेज बूस्टर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, वो क्या होती है, क्या क्रिप्टो करेंसी को कोई कंट्रोल करता है, और अगर हाँ तो उसके बारे में जानेंगे क्रिप्टो करेंसी किसने बनाई। तो ये वीडियो को पूरी देखना ताकि आपको इसकी पूरी नॉलेज मिल सके। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल बायटेक। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी है जिसका हम यूज करते हैं ट्रेड करने के लिए। अगर आपको ट्रेड का मतलब नहीं पता तो जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझ लो, आप अभी रुपए यूज करते हो इंडिया के अंदर, तो हम जब 10 रुपए देते हैं तो वो हमें 10 रुपए का सामान देता है, तो ये ट्रेड हो गया कि पैसों के बदले वो मुझे क्या दे रहा है, सामान दे रहा है। सेम चीज होती है क्रिप्टो करेंसी के साथ, हम उसे क्रिप्टो करेंसी देते हैं, उसके बदले में वो हमें वो सामान देता है जो हमें चाहिए। तो इस तरीके से ट्रेड होता है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, कई लोग इसे ऐसे भी करते हैं कि मैंने उसे क्रिप्टो करेंसी दी और वो मुझे डॉलर्स देगा या रुपए देगा, जिस भी करेंसी के मुझे नोट चाहिए। और अगर बात करें इसकी हिस्ट्री की कि क्रिप्टो करेंसी कब बनना शुरू हुई या कभी इसे सबसे पहले किसने बनाने की कोशिश करी, तो इसका ट्राई हो गया था 90s से ही शुरू हो गया था। यानी ये जो आइडिया वो बहुत ज्यादा पुराना है, पर वो कभी भी इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फॉर एग्जाम्पल जैसे डीजी कैश आया था, बेंज वगैरह ये सब आए थे जिन्होंने अपनी क्रिप्टो करेंसी लाने की कोशिश करी, बट ये इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और इन सब के पीछे एक कॉमन रीजन भी था कि इन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए, कि ये सब चीजें चेक करने के लिए ट्रांजेक्शन हो रही है नहीं हो रही है, एक पीछे एक थर्ड पर्सन के ऊपर रिलाई किया, जहां पर ये डाउट भी आ जाते थे कि फ्रॉड हो सकता है, सिक्योरिटी इशू, और ये कह सकते हो आप ट्रस्ट इशू हमेशा बना रहता था, जिस वजह से कभी भी ये इतना ज्यादा फेमस नहीं हो पाया और वर्ल्ड वाइड इसे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो उसके बाद इसके बारे में सर्च करना या फिर आप कह सकते हो इसको डेवलप करना बंदों ने छोड़ दिया। फिर 2009 में एक पर्सन आई जिनका नाम था सातोशी नाकामोटो। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया बिटकॉइन को। तो अब आपको पता ही है बिटकॉइन तो आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा, और आज के टाइम पे जो एक बिटकॉइन की वैल्यू है, जहां तक मुझे याद है, अब हो सकता है चेंज हो गई हो, $17,000। एक बिटकॉइन इज इक्वल टू $17,000, इतनी ज्यादा इसकी वैल्यू है। तो ये किस तरीके से काम करता है अब आपको ये समझाते हैं। बिटकॉइन अपने आप को सिक्योर रखने के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज करता है, और ये किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर रिलाय नहीं करता अपनी ट्रांजेक्शन के लिए। यहां पर होता है पीयर टू पीयर कनेक्शन। पीयर टू पीयर कनेक्शन का मतलब जैसे आप कोई भी फाइल शेयर करते हो, जैसे सपोज करो शेयरइट आपने यूज किया ही होगा, तो शेयरइट आप जब यूज करते थे तो वहां पर पीयर टू पीयर कनेक्शन बनता था, कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होती। सेम उसी तरीके से बिटकॉइन का हाल है। बिटकॉइन में भी पीयर टू पीयर कनेक्शन बनता है, एक सेंडर हो गया और एक रिसीवर हो गया, बस इसके अलावा कोई भी यहां पर थर्ड पार्टी नहीं होगी। अब यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये डिसेंट्रलाइज है, इसका मतलब कोई भी एक बॉडी से कंट्रोल नहीं करती, यानी कोई भी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन से कंट्रोल नहीं कर सकता। तो यहां पर एक दिक्कत और आती थी, वो थी डबल ट्रांजेक्शन, यानी सेम अमाउंट को दो बार ट्रांजेक्शन करना करके दिखाया जाता था कि देखो मैंने यहां पर आपको दो बार पेमेंट कर दिया, दो जगह डिफरेंट जगह पर पेमेंट कर दी। इस चीज को रोकने के लिए यहां पर आया ओपन लेजर, यानी जो भी आज तक बिटकॉइन के अंदर ट्रांजेक्शन हुई है उसे कोई भी पर्सन जाके देख सकता है। और जब आप ट्रांजेक्शन करते हो तो उस टाइम पे सेंडर और रिसीवर दोनों का वॉलेट एड्रेस वहां पर आता है, और कितने बिटकॉइन का ट्रांजेक्शन हुआ है वो भी वहां पर आता है, और ये शो करने के लिए कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो लेजिमेट है, सेंडर को भी वहां पर साइन करने पड़ते हैं। और ये सारे जो चेंजेस हैं ओपन लेजर के अंदर, ये सिर्फ कर सकते हैं माइनर्स, इसके अलावा वहां पर उन्हें कोई भी चेंज नहीं कर सकता। और अगर एक बार वो ट्रांजेक्शन वहां पर दिखा दी गई लेजर के अंदर, यानी उस बिल के अंदर आप कह सकते हो, अगर वो एक बार ट्रांजेक्शन शो हो गई तो इररिवर्सिबल है, वापस उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा बिटकॉइन वाली कम्युनिटी काम करती है, और बिटकॉइन आजकल बहुत ज्यादा फैलता भी जा रहा है। पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि आपको ढूंढने में मुश्किल आती थी कि कोई बिटकॉइन एक्सेप्ट कर ले, क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करते हैं, और इवन कई जगह पर तो अब आपको ये भी देखने को मिल जाएगा, वो बोलेंगे अगर बिटकॉइन है तो ज्यादा बेटर है, और बहुत सारे लोग आजकल बिटकॉइन में ही ट्रेड कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन दिखाई भी दे रहा होगा, और यही रीजन है बिटकॉइन की वैल्यू इतनी ज्यादा है। और भी हमारे पास क्रिप्टो करेंसीज हैं, पर सबसे ज्यादा और जो वेल नोन करेंसी है वो है बिटकॉइन, और यूएस में तो ये लीगल भी है, और इंडिया में भी धीरे धीरे लीगल हो ही जाएगी, आप कह सकते हो वर्ल्ड वाइड इसे धीरे धीरे एक्सेप्ट कर ही लिया जाए। सो दैट इज हाउ बिटकॉइंस वर्क और क्रिप्टो करेंसी वर्क्स। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और अगर आप चाहते हो आपको ऐसे ही और मजेदार वीडियो देखने को मिले, सो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।